सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज बनाने जा रही हूँ मैं पंजीरी, और ये देखिए मेरे पास हैं चार भोले। तो देखती हूँ कितना कस पाती हूँ मैं, क्योंकि इनको कसने में बहुत टाइम लगता है और मेरे हाथों की दशा आप लोगों को पता ही है कि दर्द बहुत रहता है इनमें। तो जितना हो सकता है उतना करके देखती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहीं बेड पे बैठ कर इन्हें करने लगी थी, तो फिर ये बेटे ने मुझे तोड़ के दिए गोले, क्योंकि वैसे नहीं कसे जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो इन्हें इस तरीके से तोड़ के कस लेती हूँ। मतलब तो टाइम तो बहुत लगता है कसने में, तो किस तरीके से मैं कसती हूँ इसी तरीके से। कई लोग मिक्सी में भी कसते हैं, लेकिन मिक्सी में मुझे ज़्यादा मतलब वो समझ में नहीं आता उसका कि कितना करना है क्या करना है। फिर तेल भी बहुत छोड़ने लगते हैं मिक्सी के अंदर। तो ये देखिए यहाँ इसको मैं अच्छे से घिस रही हूँ और बना रही हूँ, तो आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए ये देखिए सारा गोला मैंने कस लिया है।
थोड़ा सा बचा दिया है क्योंकि मुझसे कसा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा चल उसको सबको एक पतीले में कर लेती हूँ, ढकने में आसानी होती है, खुला रखने में थोड़ा सा डर सा लगता है। तो यहाँ पर करके बैठ के मतलब आराम से टीवी देखते हुए मैं ये सब काम कर रही थी, तो जिससे आसानी से ये सब कुछ हो जाए। तो ये देखिए इतना सारा ये हो गया है, और इसमें भी सारे बिस्तर में भी इसी तरीके से हो गया। चलो बिस्तर में से तो ये है कि मुझे अभी चादर बदलनी हुई है, तो साथों साथ इसी से भी कर लेती हूँ। और इसमें क्या क्या डालूँगी, अभी मुझे बनानी है चीनी की जो है चाशनी, और यहाँ मैं भून रही हूँ थोड़े से बादाम, क्योंकि बादाम मेरे पास रखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ यूज उन्हें करना ही है। और ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, बादामों को अच्छे से भून लेती हूँ, तो ज़रा भून के ज़रा स्वाद इनका चेंज हो जाता है। और अगर जो पंजीरी है काफ़ी दिनों तक टिकने वाली भी है, अगर अगर ख़त्म हो जाती है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, अगर चल जाए तो काफ़ी दिन तक चल भी जाती है। इन बादामों को थोड़ा सा भून लेती हूँ, भून के थोड़ा टेस्ट इनका और भी बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ भून रही हूँ मैं बादाम। ये देखिए हो गए है मतलब सारा मसाला तैयार हो गया है, और मेरा जो है मैंने जो बनाई है चाशनी वो भी तैयार हो गई है, बादाम भी भुन गए हैं, और अब मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ इसलिए जो है ये हो रहा था कि पता नहीं कैसे बनती है क्या बनती है, थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मान लें 10वें साल हो गए मुझे नहीं बनाए हुए, क्योंकि मन भी नहीं था, काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब रहती थी तो इन सब चीज़ों के लिए मेरा मन भी बिल्कुल नहीं होता था। और इस तरीके से मैं इसको बिछा रही हूँ और इसमें थोड़े से बादाम भी डालूँगी। तो ये देखिए कैसे कैसे करती हूँ मैं कामों को। देखिए थोड़े थोड़े से बादाम लगा देती हूँ इसमें, और मैंने इसलिए काट के लगा रही हूँ कि आसानी से चिपक जाए इनमें, और जब मैं पीसेस काटूँ ना तो सही से कटे। और ये देखिए इसमें मैंने लगा दिए हैं थोड़े से, वैसे भी काट लिए हैं क्योंकि खुद ही खाना होता है, घर में खाना होता है तो किसी न किसी तरीके से यूज़ करना, अभी मेरे पास इतना और बचा हुआ है तो इसी में सेट करके देखती हूँ, अगर इसमें सेट नहीं होता है तो दूसरी प्लेट में मैं थोड़ा सा इसको बना लूँगी। तो ये देखिए इसमें मैं चाशनी डाल रही हूँ, इस तरीके से चाशनी डाल रही हूँ जिससे कि अच्छे से ये मतलब बढ़िया सी हो जाए। और इसमें ना एक मतलब तार तो सा खींचना चाहिए चाशनी में भी, अगर तार सा नहीं खींचता है तो आसानी से नहीं मतलब चिपकते हैं ये आपस में, और मेरा बिल्कुल सही से फर्स्ट क्लास बना था। तो ये देखिए आप कैसा लग रहा है आपको, और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और इसमें भी आप कई सारी चीज़ें डाल सकते हो जो भी आपके पास हो, या मतलब आप डालना चाहते हो, पसंद भी अपनी अपनी होती है, क्योंकि कई लोगों को ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं होती है डालना। सिंपल पंजीरी भी अच्छी लगती है। और ये देखिए ये हो गया है तैयार, और अब थोड़ा सा बचा हुआ है इसको बना लेती हूँ दूसरी थाली में। तो ये देखिए इसको भी कर लेती हूँ क्योंकि अच्छे से जम जाएगी, जमने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिर कर लेंगे यूज़। ये मैं दूसरी थाली में भी लगा चुकी हूँ,
तो इसमें भी मैं डाल देती हूँ, जितना मेरे पास बचेगा वो मेरा चाशनी बच जाएगी तो मेरा किसी ना किसी काम में आ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरीके से हम बनाते ही रहते हैं। और ये देखिए सब कुछ बढ़िया से हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए ये दोनों में ही मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा सा और डाल रही थी इसमें, जिससे कि कोई कमी बेसी हो तो ठीक से हो जाए। और आप इसे रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए सेट होने के लिए, और फिर मिलती हूँ आपसे कि देखिए किस तरीके से सेट हुई है, किस तरीके से बनी है। तो आज तो कान्हा जी काटेंगे इसको और मेरा कान्हा तो आपको पता है मेरा कान्हा कैसा है, तो उसी से ही इसको थोड़ा सा भोग लगवा देती हूँ, करवा देती हूँ। बस यही इस तरीके से मेरे त्यौहार मनते हैं, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना होता है, सब कुछ मतलब वो भी हर तरीके से उन्हें पसंद होता है कुछ भी चीज़ों के लिए, तो वो सब काम करना ही पड़ते हैं, अपना मन हो चाहे नहीं हो, तो लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ ढेर सारी, और इसी तरीके से सभी के जीवन में मिठास बनी रहे, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पूरे विश्व में और सभी के घरों में हमेशा की क्यारियाँ घुसती रहे, अच्छा सा सबका घर बना रहे सभी। ये देखिए अब शाम का टाइम हो गया है, अच्छे से जमी नहीं है ये, लेकिन अपने कान्हा से इससे भोग लगवा ही देती हूँ। तो देखिए मेरा कान्हा काट रहा है आज की पंजीरी गुड़िया बैठी है, तो वो बोल रही थी कि मुझसे भी कटवा लो, तो मैंने कहा नहीं तू नहीं काटेगी, वही काटेगा, तो इस तरीके से उसने कर दिया है। मैंने कहा छोटे वाले में से ही कर लो।